अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मैं सेनेट जेस्टेक्स और मैं हूं शेरजमीन यूसुफजई। इससे पहले मैं एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का जो ईटा की तरफ से कंडक्ट हुआ है पाटा में, उसके दो पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूं। ये तीसरा पार्ट है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन थोड़े से ब्लर हैं, इसमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बता देता हूं, क्वेश्चन को नहीं पढ़ता, और नीचे वाले क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ए है एटीपी, हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पे ये थोड़ा जूम भी नहीं होता, तो वैसे इस पेपर को आप चेक कर सकते हैं किसी और जगह से, तो दुरुस्त ऑप्शन में बता देता हूँ। तो नीचे वाले में मैं क्वेश्चन को भी पढ़ लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, तो 39 में हमारे पास है, 39 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो बी है, बी हमारे पास करेक्ट है आंसर। आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 में इसमें हमारे पास बी 40 में हमारे पास सी आंसर जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, देश लाहौर, अच्छा ही देश फॉर लाहौर बिफोर केम, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा 41 में हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बी हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 में, ही सेड टू अस कीप क्वाइट अवर हेयर, तो हेयर जो है ये देयर में होगा चेंज, तो 42 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो बी है, बी हमारे पास करेक्ट आंसर है, यानी शी डायरेक्टेड अस टू कीप क्वाइट अवर देयर, ये हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कुरान मजीद में किस पैगंबर का जिक्र सबसे ज्यादा बार आया है, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम, अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो सबसे ज्यादा जिक्र जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है, ये हमारे पास डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, विच कैन नॉट अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजाइड है, और हमारे पास बोथ ए एंड बी, तो इसमें हमारे पास जो 44 में जो आंसर है तो इसको डी ऑप्शन जो है ना, डी और बी में थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है, फिर भी हम कमेंट सेक्शन में इसको क्लियर करेंगे, तो यहां से आप इसको खुद भी चेक कर लें, डी और बी इन दोनों में से एक करेक्ट होगा। कमेंट सेक्शन आप खुद भी कमेंट कर लें जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पर आपको शक हो, मैं इसको कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को क्लियर कर लूंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है, विच वन इज मोर एसिडिक, तो मोर एसिडिक 45 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ये, इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी है इक्वल स्ट्रेंथ, ये ऊपर वाले जो दो हैं ए और बी ये दोनों का इक्वल स्ट्रेंथ है, ये सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, विच वन इज अ स्ट्रांगर लिविस बेस, तो इसमें हमारे पास अच्छा इनॉल है, अच्छा तो इसमें हमारे पास 46 में करेक्ट आंसर सी है, सी हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स द इरेगुलरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकर्स इन, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, ये डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, तो 48 तो पढ़ने नहीं होता, तो इसको क्वेश्चन नंबर 49 को तरफ हम चलते हैं, तो 49 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 49 में हमारे पास जो है वो बी आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में हमारे पास जो है, इसमें हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 50 में जो है ना हमारे पास सी आंसर करेक्ट है। 51 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो डी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, वेयर, इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं ताकि ये नजर आ जाए, ये
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 में आप इसको देख सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल. अच्छा तो चलो इसमें भी मैं करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ. इसमें 52 में भी हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है बी. बी हमारे पास करेक्ट आंसर है. वैसे तो दूसरी तरह ये जूम होता है लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा, तो बी हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 में, सिस्टमेटिक ऑफ सेकेंडरी. अच्छा इंक्लूड डैश. तो इसमें हमारे पास 53 में जो करेक्ट आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ द अबव हमारे पास करेक्ट है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड डैश फ्रॉम अ. तो इसमें हमारे पास जो 54 है इसमें भी हमारे पास बी आंसर जो है वो करेक्ट है. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द जीन और ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन. अच्छा तो इसमें हमारे पास जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर होता है ये 9 है. डी ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट है. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56. अच्छा तो इसमें हमारे पास, इसमें 56 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो डी है. डी हमारे पास करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 57 है, आई नो दैट यू डैश 41 यू लास्ट बर्थडे. तो आई नो दैट यू वर, तो ये बी जो है ना हमारे पास इसमें करेक्ट होना चाहिए. बी हमारे पास करेक्ट आंसर है, यू वर. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग टू डेसिमेट. तो डेसिमेट कहते हैं तबाही को, तो ये डिस्ट्रॉय हमारे पास जो है करेक्ट आंसर है. कलेक्ट है, डिस्ट्रॉय है, बिल्ड है, इंक्रीज. तो ये बी हमारे पास करेक्ट आंसर है, डिस्ट्रॉय. अगले जो है नई वीडियो, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो, इसका फायदा होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.